लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व के मौके पर लालगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 के पार्षद बबीता देवी एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया के द्वारा छठ व्रत करने वाले 300 छठ व्रतियों के बीच पर्व करने के लिए साड़ी, नारियल, नींबू, सूप समेत कई प्रकार के व्रत सामग्रियों का वितरण किया गया। पार्षद बबीता देवी के इस पहल से छठ व्रतियों एवं आम लोग काफ़ी खुश हैं और इस पहल पर छठ व्रतियों ने उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते नजर आए। पार्षद ने बताया कि छठ लोक आस्था का महापर्व है और इस मौके पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें छठ करने के लिए पैसे के अभाव में अथवा अन्य कारणों से भी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाता है। वैसे लोगों को मेरे द्वारा करीब 8 वर्षों से एक छोटा सा सहयोग किया जा रहा है और आगे भी ऐसा सहयोग किया जाएगा। वहीं पूर्व सांसद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया ने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि खासकर मेरे वार्ड की जनता को पर्व करने में कोई कठिनाई ना हो। इसके लिए घाट की साफ सफाई से लेकर सामग्रियों के वितरण तक की व्यवस्था करते रहते हैं। पैक कर रही हैं और कहाँ पर पैक कर रही हैं? छठ पूजा का महापर्व का अपने वार्ड पार्षद के निवास पे आए हुए हैं। कौन वार्ड पार्षद है? बबीता कुमारी नंबर वार्ड के हैं। उन्हीं का सहयोग कर रहे हैं। महिला लोग को सबको सम्मानित किया जा रहा है। छठ पूजा का क्या चीज दे रही है? साड़ी है, फल है, नारियल है, गागल है, सिंदूर है, अगरबाती सब मिला के हम लोग दिया जा रहा है। हम उनका सहयोग कर रहे हैं। कितने लोग को दे रहे हैं? करीब 250 लोगों के लिए दे रहे हैं। उनको क्या बोलिएगा? आप भी मदद करने आई हैं, पैक कर रही हैं। हम भी मदद करने आए हैं, आशीर्वाद मांगने आए हैं उनसे, मदद इनके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, अपना सा सहयोग करवा रहे, हेल्प कर रहे हैं। तो उनको क्या बोलिएगा कि सब दिन ऐसे ही करते रहे आगे? हाँ, हर साल हमेशा करते रहे। उनको छठी मैया ऐसे देते रहे कि हर साल हमेशा सहयोग करी देते रहे। इस बार ही किए हैं कि हर बार करती है। अभी कहाँ आई हैं और क्या चीज ली? वार्ड नंबर 4 में अपना वार्ड पार्षद बताए। किस लिए आए थे? हम आए हैं कि हर साल ही अपना मन से अपना पर्व के नाम से अपना एक गौरव के सामान वितरण करती है। और आप ही को दिए हैं कि और लोग वितरण करती है? इसका मतलब कि सबको देती है ही नहीं, मेरे ही तो नहीं देती है। पूरे वार्ड भर के देती है कि वार्ड के अलावा के लोग के भी देती है? वार्ड के अलावा भी इनके यहाँ आ जाता है, लोग इनको देती है। अच्छा, हम तय दिन से इनका स्वागत करेंगे और कहेंगे भगवान छठ मैया इनको बना के रखे, बाल बच्चा सहित सबको आगे उन्नति करें कि हम लोग के भी आशा रहे कि हम दरबार में रोज आते रहें। चाची कहाँ आए हैं, क्या चीज है? वार्ड नंबर 4 में बबीता देवी पार्षद के पास। क्या किस लिए आए हैं? पर्व के सामान दे रहे हैं, छठ करने के लिए हर साल देते हैं। क्या चीज दिए हैं? साड़ी है, सूप है, नारियल है, गागल है, सुहाग का चीज है। तो पहली बार दिए हैं कि नहीं? हर साल दे रहे हैं। तो जब देते हैं तो आपको इस समय कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लग रहा है। इनको क्या बोलिएगा? बनल रहे, इससे फिर आगे बढ़ेंगे, हर बार जीतेंगे। आशीर्वाद दे रहे हैं, दे रहे हैं, करेंगे से हमारा वार्ड पार्षद बनल रहेगा तो फिर आएंगे। इसका वितरण हो रहा है और कहाँ हो रहा है? महापर्व छठ पर्व के शुभ अवसर पर हम हर साल वितरण करते हैं और हर साल की भांति इस बार भी वितरण कर रहे हैं। क्या चीज वितरण कर रहे हैं? जो पर्व के नाम पर जो हमसे चलता बनता है देते हैं, जैसे सूप, नारियल, गागल, साड़ी, पर्व का सामान, वही सब। और क्या इस समय पर्व में हर लोग को थोड़ा सा मुश्किल होता है, गरीब को, उस समय आप देते हैं तो क्या उसे क्या बेनिफिट? लोगों को चेहरा पर खुशी देख के हमको बहुत खुशी मिलता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमेशा की तरह और आगे बढ़े और लोगों का सेवा करते रहें, मौका मिले तो करते रहें। 2017 में पहली बार जब चुनाव जीते, उस समय से अभी तक लगातार हर छठ व्रत के समय में हमारे जो पार्षद है बबीता कुमारी, उनके हाथों से हम लोग बंटवाते हैं और हम लोग भी सहयोग करते हैं उसमें कि हर साल जो है सुबह छठ का मैंने वार्ड का आदमी को तो मिलता ही है और वार्ड से जो बाहर का भी लोग आ जाता है उनको भी हम लोग वितरित कर देते हैं पूजा के नाम पर, छठ व्रत के नाम पर। क्या क्या सामान वितरण किए? जैसे अभी यहाँ हम लोग वितरण करते हैं, ये सूप हुआ, नालियल हुआ, साड़ी हुआ, गागल हुआ और पूजा अर्घ का सामान हुआ और जो भी उपलब्ध होता है हम लोग के पास, अगरबत्ती जो भी है सब, जो भी हम लोग से पूरे वार्ड पूरे वार्ड में जनरल जो पर्व करता है हम लोग सूचित करते हैं या सूचित नहीं भी करते हैं, जो हमारे दरवाजा पर आ जाता है उन सबको मिलता है।
जो पर्व करते हैं संख्या में दी गई है लगभग अभी 250-300 लोगों को मिला है, 250-300 लोगों को मिला है। अब हम लोग तो भगवान के नाम पर कर रहे हैं, अब तो हम भगवान से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, लोग से सहयोग क्या किया जाए, हम तो भगवान लोग को थोड़ी दे रहे हैं, तो भगवान के पूजा में भगवान को दे रहे हैं और उन्हीं से आशा करते हैं कि हम लोग को सहयोग करेंगे, भगवान करेंगे। और यहाँ वार्ड का जनता है वो भी तो हम लोग के भगवान रूपी है, तो वो भी हम लोग का करते ही हैं और करेंगे। घाट का साफ सफाई हो रहा है, आज से घाट में पानी का जो बोरिंग है हमारे यहाँ घाट के नजदीक खुल गया था पोखर पर, उससे पानी भरा जाएगा पोखर में। आज क्या अच्छा व्रतियों को क्या बोलिएगा, सब आदमियों को शांतिपूर्ण ढंग से भगवान को ध्यान लगाए, पूजा करें और कुछ हमारे लिए भी, हम लोग के लिए भी आशीर्वाद मांग ली छठी मैया से, सूर्य भगवान से।